हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं बंगाल के उदय के बारे में। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप सभी की किताबों में टॉपिक बहुत बखूबी दिया हुआ है, बट दिक्कत यह है ना कि आप लोग ये टॉपिक पढ़ते नहीं हो। मैं आपको बताऊँ आप क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में नहीं होता कि छोटे छोटे जो राज्य थे उनका जो उदय हुआ वो आखिर में क्यों हुआ। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा ना, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि आपको जानना है कि अंग्रेजों ने आगे चलकर के कैसे बाकी यूरोपीय कंपनियों को समाप्त कर दिया और खुद पूरे भारत में अंग्रेजों ने एक छत्र राज्य की स्थापना किया। तो इस राज्य की शुरुआत हुई थी प्लासिक युद्ध से, जो कि हुआ था 1757 में। लेकिन उसके पीछे की घटना मैं आपको बताऊंगा, जिसको पढ़ करके आपको बहुत मजा आने वाला है। एक बात, दूसरी बात, आपको पता है कि बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह था जहां पे पुर्तगालियों की भी नजर थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने वहां पे अपनी फैक्ट्री बना रखी थी। इसके अलावा डचों ने भी अपनी फैक्ट्रियां बना रखी थी, अंग्रेजों ने भी बना रखी थी, फ्रांसीसियों ने भी बना रखी थी। तो इस बात से आपको इतना समझ में नहीं आता कि बंगाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और आगे चल के यही बंगाल तो भारत की राजधानी बना। इसका मतलब है कि अंग्रेज जो है पूरे देश में और कोई नगर उनको नहीं मिला क्या? खाली बंगाल ही ऐसा था जिसके ऊपर अंग्रेजों का इतना ध्यान था, या और भी यूरोपीय कंपनियों का ध्यान था? तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? ठीक है, ये सब बात की आज हम चर्चा करेंगे, और आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। दोस्तों, एक चीज पहले ही आपको बता दूं, बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं कि सर आप नोट्स नहीं बना रहे हो। बनाऊंगा मेरे भाई, सामने आपके पीसीएस की एग्जाम की डेट आ गई, क्या चाहते हो? अगर कवर करने का मन ना हो तो बताओ, धीरे धीरे पढ़ाते हैं नोट्स बना बना के, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? या ऐसे कर दूं कि डेली डेली आपको क्या कर दूं, वीडियो दे दूं, ताकि आप क्या कर सको। देखो, मेरी बात को सुनकर के आपको समझ में नहीं आता क्या? आता होगा समझ में ना। और हर चैप्टर के बाद जो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उससे तो बाकी डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो आप लोग आराम से हमारे साथ पढ़ाई करिए, ठीक है? बिना किसी हिचक के और बिना किसी परेशानी के आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। नोट्स बनाने की जो हमारी कला थी वो मैं बनाऊंगा, आप लोग परेशान मत हुए, नोट्स मैं बनाऊंगा। जिस तरीके से मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया, मेडिवल पढ़ाया, उसी तरह से मॉडर्न को भी कवर करेंगे, मत परेशान होइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कवर करूंगा, बट अभी जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वीडियो को थ्रू फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए वीडियो के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि डेली आपको एक-एक वीडियो देता जाऊंगा और जल्दी ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं बंगाल का उदय। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर हमारे चैनल पे एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज मेरे भाई, देखो बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से आपको सभी चीजों को मैं सिखा रहा हूं। इसके बदले में आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आया करे तो उसको आप जरूर से देखा करो, उसको स्किप मत किया करो। ऊपर से यार बड़ी बड़ी कंपनी अपना प्रचार बना रही है, तो देखने के लिए तो बना रही है, उसको आप स्किप मत करो। 10-20 सेकंड की बात होती, उतना टाइम मुझे दे दो, बाकी आपको मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। चलो शुरू करते हैं बंगाल। तो बंगाल की कहानी मैं आपको शुरू करता हूं बिल्कुल बेसिक से, एकदम नीचे लेवल से लेकर चलता हूं, ताकि आप आसानी से समझ सको। दोस्तों, जिस बंगाल की मैं बात करता हूं वो आज का बंगाल नहीं है। यहां पे मैं जिस बंगाल की बात करता हूं इसमें ढाका आता था। आज क्या है, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। इस बंगाल में बांग्लादेश तो तब था ही नहीं, आप ऐसे ही बोल दो कि बांग्लादेश आज जहां पर है उसका पूरा का पूरा राज्य आता था। इस बंगाल में आपका बिहार आता था, इस बंगाल में स्वयं पश्चिम बंगाल भी आता था, बात को समझिएगा। इस बंगाल में आपका उड़ीसा भी आता था। मैं उस बंगाल की बात कर रहा हूं जो कि अंग्रेजों के जमाने में थी, या मैं ऐसे कह दूं जो 18वीं शताब्दी का बंगाल था। किस शताब्दी का? 18वीं शताब्दी का। 18वीं शताब्दी जैसे बोला गया, आपको आपको क्या समझ में आना चाहिए, 18वीं शताब्दी मतलब सन 1700 से लेकर के 1799 तक का जो पीरियड था। मैं उस समय के बंगाल की बात कर रहा हूं कि उस समय बंगाल में आप किन क्षेत्रों को काउंट करते थे, तो ये जो क्षेत्र है इनको बंगाल कहा जाता था। इतना बात आपको समझ में आ गया, चलिए एक बात। दूसरी बात, आपको ये पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में सल्तनत काल के बाद जो 5 वंश चले थे सल्तनत काल में, उसके बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना हुआ था, जो कि बाबर ने स्टार्ट किया था, और आगे चल के आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक आए थे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में हम कहां से पढ़ते हैं, औरंगजेब तक तो हम कहां पढ़ते हैं, मुगल शासकों में पढ़ते हैं, और औरंगजेब के बाद के जो राजा थे उनको हम कहां पढ़ते हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ते हैं वहां से। तो आपका जो 1700 है
थी, इसी के पास 1707 में दोस्तों मृत्यु हो गई थी, किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, तो आप मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। देखो क्या करो ना, 1707 याद रखो, इतना तो आपको पता ही होगा औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और इसी के समय की बात कर रहा हूं जिस समय बंगाल उदय हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल था मुगल वालों का। दूसरी बात, अगर मैं बंगाल का उदय करा रहा हूं तो इसका मतलब यह है सिंपल सी बात कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो भी क्षेत्र हैं, ये मुगल से अपने आप को अलग कर लिए हैं, यही है ना, ये इसका मतलब हुआ। चलो एक बात तो इतना आप याद रखना। दूसरा याद ये रखना कि दोस्तों जब मैं आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा रहा था तो दो तीन फेमस जगह थे, जैसे एक जगह का नाम था हुगली, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छा जगह था, और वहाँ पे पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने अपने क्या कर दिए थे, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी। तो हुगली क्या था, यह एक पत्तन था, हुगली क्या था, यह एक पत्तन था। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कासिम बाजार के बारे में, क्यों, कासिम बाजार बताया था ना, कासिम बाजार भी बहुत इस पर भी पढ़ाया था मैंने। तो ये कुछ स्पेशल जगह थे पश्चिम बंगाल में जहां पर यूरोपीय कंपनियों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लिया था। कोई दिक्कत आपको, इतना जगह याद रखिएगा। अब शुरू करता हूं बंगाल के स्टार्टिंग में कौन कौन से राजा थे, कैसे कैसे कहानी शुरू हुई। तो सबसे पहले तो देखो बंगाल में कोई राजा नहीं था, ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं मुगल काल से। मुगल काल में तीन फरमान आए थे, वो तीनों के तीनों फरमान कहां से संबंधित थे, इस बंगाल से संबंधित थे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उस फरमान के बारे में जान लें। पहला फरमान जो था दोस्तों उसको दिया था सासुजा ने, कब दिया था, 1651 में। सासुजा कोई मुगल वो नहीं था, राजा नहीं था, वह क्या था, वह बंगाल का एक शासक था, ठीक है। कब, 1651 में सासुजा नामक एक शासक ने, सासुजा, ध्यान सुनते जाइएगा, सासुजा कौन था, यह बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था। कब, 1651 में बंगाल का नवाब था, ठीक है। सासुजा ने सबसे पहले एक फरमान जारी करता है, ये आपको याद रखना है। सासुजा क्या करता है कि इसके यहाँ पर कुछ अंग्रेज आते हैं, और उसी अंग्रेज में से एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर बॉटन। क्या नाम रहता है, वो दूसरा वाला डॉक्टर था जो जहांगीर कहा गया था, वो दूसरा था, ठीक है, जिसको इंग्लिश का, वो दूसरा था, इसका नाम है डॉक्टर बॉटन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर बॉटन, ठीक है। यह एक अंग्रेज डॉक्टर था, और यह जब राज में पहुंचा, किसके राज में पहुंचा, सासुजा के यहाँ पहुंचा, तो एक राज परिवार की एक महिला थी, ठीक है, उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसकी चिकित्सा किया डॉक्टर बॉटन ने, और वो महिला क्या हो गई, अच्छी हो गई। जैसी महिला अच्छी हो गई तो अंग्रेजों का बड़ा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, सासुजा के ऊपर। सासुजा ने सबसे पहली बार अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक में BBU, किसका याद करो, BBU में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। कब किया, याद रखो, पहली बात तो 3000 रुपया वार्षिक, मतलब वर्ष में केवल एक बार देना उनको, ठीक है, ये मुआवजा, ये रुपया देना है, और इसके बाद वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार मतलब फ्री व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और कहां पे व्यापार कर सकते हैं, तो BBU में कर सकते हैं। दोस्तों ये BBU क्या है, मैंने शॉर्टकट बनाया कि आपको याद रहे, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार, यू फॉर उड़ीसा, सिंपल, BBU, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, याद रहेगा, BBU में ये व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस शासक ने अंग्रेजों को छूट दिया कि वहाँ और बंगाल में अपना व्यापार करें, तो सबसे पहले 1651 में सासुजा ने अंग्रेजों को छूट दिया था कि वहाँ और अपना व्यापार करें। और शुरू कहाँ से होता है, जब ये डॉक्टर बॉटन क्या करते हैं, उस राज परिवार की महिला की तबीयत ठीक करते हैं, यानी अपनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उसको आराम दिलाते हैं। इसके बाद जो दूसरा शासक था वो था अजीमुस्तान। अजीमुस्तान कौन था, ये औरंगजेब का पोता था अजीमुस्तान। 1698 की बात है, हटा दूं, देखो आप ना चीजों को याद करो, ठीक है, जब मैं लिख के पढ़ाऊंगा, या आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा एक कॉपी कलम लेके बैठो और एक पॉइंट में नोट कर लिया करो, ऐसे करके 1651 सासुजा, डॉक्टर बॉटन, और क्या, 3000 रुपया वार्षिक व्यापार, मुक्त व्यापार, BBU, एक लाइन में लिख दिया, ऐसे होगा ना आपको याद आ जाएगा, वो लाइन तुरंत फटाक से याद आ जाएगी, जब आप रिवाइज करोगे ना तुरंत याद आ जाएगी। तो कुछ इस टेक्निक से भी आप काम कर सकते हो। तो 1651 एक बात हुआ, दूसरी बात आती है 1658 की। कब बात आती है, 1658, और अभी अभी मैंने बताया आपको कि सॉरी 1698 की बात आ रही, अजीमुस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है।
अजीमुस्सान। पहला था शाह शुजा जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दिया, दूसरा था अजीमुस्सान जो कि औरंगजेब का पोता था। 1698 में इसने क्या किया, गोविंदपुर, कालीकाता, सुतानाती इन सब जगहों पर क्या कर दिया, जमींदारी को उठा के थमा दिया कि यहाँ के जमींदारी को कौन वसूलेंगे, अंग्रेज वसूलेंगे। ठीक है, शाह शुजा ने तो इनको कहाँ तक रखा, बीबीयू में सिर्फ ये रखा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या करेंगे, अपना मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और अजीमुस्सान ने क्या किया, उन लोगों को ला के रख दिया अपने कहां पर, राजनीति में डाल दिया। डाला कि नहीं राजनीति में, तो सबसे पहले इसने डाला। और कहां कहां पे, मैं पढ़ाया भी था आपको, ठीक है, तो याद रखिए सुतानाती पढ़ाया हो ना, सुतानाती, ठीक है, और कौन सा, गोविंदपुर, और कौन सा, कालीकाता, कालीकाता को आगे चल के कोलकाता कहा गया, कालीकाता। इन तीन जगहों पर जमींदारी का काम दे दिया, किसका काम दे दिया, ये बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया। इससे क्या हुआ, उनका मन बढ़ना शुरू हो गया। अभी तक वो आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, उनका मेन हेडलाइन क्या था कि हम भारत चल रहे हैं और व्यापार करेंगे, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अजीमुस्सान ने उनको डाल दिया जमींदारी वसूलने के लिए, ये तो गजब की बात हो गई। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद एक तीसरा शासक है फर्रुख सियर, जो कि 1717 में क्या करता है, एक फरमान जारी करता है जिसको शाही फरमान बोलते हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो उस फरमान में भी क्या था, लिखूं कि ना लिखूं, 1717 तो याद रहेगा, अरे जिसको क्या बोलते थे, घृणित कायर बोलते थे फर्रुख सियर को। ठीक है, 1717 में फर्रुख सियर ने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया और 3000 रुपया वार्षिक, वही शाह शुजा वाले रेट पर 3000 रुपया वार्षिक में क्या किया कि पूरा बीबीयू में, वही बीबीयू जो वहां चल रहा था वही बीबीयू यहाँ है। ठीक है, तो इनके तरफ से अभी क्या था कि जो शाह शुजा था वो बंगाल का नवाब था, उसका देना अलग बात है, और वो दिया था 1658 में, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1651 में, और यहाँ क्या हो रहा है, 1717 की बात हो रही, तो और ये मिल रहा है मुगल सेना नायक से, तो कहीं ना ये मुगल बादशाह के द्वारा मिल रहा, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो गई ना। ठीक है, तो इसने क्या किया, 3000 रुपये वार्षिक में बोला कि जाओ और आप क्या कर सकते हो, पूरा बंगाल में जहां भी इच्छा करे आप मुक्त व्यापार कर सकते हो। और अंग्रेज यही सोचाते थे, उनको शाही फरमान मिल गया और क्या हुआ, फिर छूट मिल गई उनको काम करने की। तो ये चीजें थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इतना बात समझ में आ गया, हम तो पढ़ रहे हैं बंगाल का उदय, आप कहोगे सर आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो, भूमिका बना रहे हो मेरे भाई, भूमिका सुनते जाओ, भूमिका बना रहा हूँ, अभी तो कहानी शुरू हो रही है। अब देखो 1700 की बात करते हैं, सन 1700 की बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड की, क्योंकि 1700 जो है ये औरंगजेब का ही समय है और 1707 में जाके मृत्यु हुई है औरंगजेब की। तो अगर मैं 1700 की बात करूं तो सन 1700 में औरंगजेब ने क्या किया कि मुर्शीद कुली खान नाम के एक व्यक्ति को बंगाल का दीवान बना दिया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी, मैंने क्या बोला, सन 1700 ईस्वी में, 1700 में कौन था, मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, बंगाल में एक व्यक्ति जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां, ध्यान से सुनना, मुर्शीद कुली खां, ये पहला है मुर्शीद कुली खां, इसको बंगाल का, देखो नवाब नहीं बना रहा, ध्यान समझना, इसको बंगाल का दीवान बनाया, नवाब नहीं, नवाब वर्ड बोल करके गलती मत करना, ये क्या बना, बंगाल का दीवान बनाया गया मुर्शीद कुली खां को, दीवान कर दीजिएगा दीवार जगह। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां को बना दिया। अब मुर्शीद कुली खां बन गए, हेल्प कौन किया, औरंगजेब ने। मुर्शीद कुली खां के समय में कई सारे विद्रोह भी हुए, उन विद्रोह को भी याद रखें, सीता नारायण और उदय नारायण, इन लोगों ने विद्रोह किया, एक विद्रोह, तीन विद्रोह टोटल हुए थे, कौन कौन, एक सीता नारायण उदय नारायण ने मिलकर किया था, दूसरा सुजात खां ने किया था, और तीसरा नजात खां ने, सुजात खां नजात खां, ठीक है, लाइन से ये तीन विद्रोह भी हुए थे, तो उसके बारे में भी कभी कभी पूछता, वो विद्रोह भी मुर्शीद कुली खां के समय में हुए थे। ये तो हमारी रही पिछली बातें, अब मेन बात कहां से शुरू होती है, मेन बात शुरू होती है दोस्तों यहां से, अब हम बनाते बंगाल का नवाब। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उस समय तक मुर्शीद कुली खां कुछ नहीं बोला, ठीक है, तब भी वो मुगल बादशाह के अंडर में रह के काम करता रहा। अच्छा, इस दीवान का काम क्या रहा होगा, इस दीवान का काम इतना था कि वहां से राजस्व वसूल करके साल में या वार्षिक रूप से कुछ राज क्या करेगा, राजकोष में जमा करता रहेगा, तभी तो उसके अंडर में रहेगा, ये काम चलता रहा, धीरे 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 काम आगे बढ़ता गया। 1717 की बात है, कब, 1717 की बात है, 1717 में घटना घटी, घटना क्या घटी, ये तो था सूबेदार, मुर्शीद कुली खां क्या था, शुरुआत में सूबेदार था, औरंगजेब का एक पोता था जिसका नाम था अजीमुस्सान, जिसके बारे में भी हम पीछे बात किए हैं 1698 में, वही अजीमुस्सान क्या करता है, आगे गद्दी बैठता है, ठीक है, तो गद्दी पे क्या उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है, उसी से हो जाता है कुछ मतभेद, कुछ लड़ाइयां झगड़े हो जाती हैं, क्यों हो जाते हैं, अजीमुस्सान ने भी, मैं तो आपको पीछे बता दें कि अजीमुस्सान ने 1698 में जो कि सूबेदार था बंगाल
का, उसने अंग्रेजों को दे दिया गोविंदपुर, सुल्तानात की, कालीकाता की जमींदारी वसूलने के लिए, और अंग्रेज आके यहां क्या करते थे, बदमानी करते थे। अच्छा, बंगाल का सूबेदार 1717 में कौन, 1707 में कौन बना दिया गया, सन 1700 में तो बना दिया गया था इसको दीवान, आगे चल के इसको सूबेदार भी बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसके राज्य में अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे। तो इसने क्या किया, अपने आप को चाहा कि यार मैं अब क्या करता हूँ, वहाँ से अलग हो जाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि औरंगजेब के समय तक दिल्ली सल्तनत पूरा उसके मुट्ठी में था। उसके बाद जब उत्तरवर्ती शासक आए तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। वो में से मतलब कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हो या जिसकी राजनीति में प्रबल योग्यता रही हो, कूटनीतिक व्यक्ति रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी आए हैं सब विलासिता वाले व्यक्ति आए हैं, तो बस जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। तो जब हो गया मतभेद तो क्या करता, लड़ाई थोड़े कर लेता जी मुस्तान से। अरे भाई, मुगलों से लड़ाई लेना बंगाल के नवाब के बस की बात तो नहीं थी, और ये नवाब तो था भी नहीं, ये तो एक छोटा सा सूबेदार था बंगाल का, यह तो मुगलों के अंडर में रहने वाला एक छोटा सा सूबेदार था। तो अजीम मुस्तान से जब इसका लड़ाई हो गया तो इसने छोटा सा काम किया, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया, अपनी राजधानी को ढाका, जो पहले ढाका थी राजधानी, उस राजधानी को ढाका से उठा के कहां कर लिया, मुर्शिदाबाद कर लिया। कहां पे कर लिया, मुर्शिदाबाद कर लिया। बहुत ध्यान सुनिएगा, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को कर लिया ताकि मतभेद की स्थिति समाप्त हो सके और ये अपने कायदे कानून से अपने काम धाम को कर सके। मुर्शिदाबाद का एक और नाम था मकसूदाबाद। क्या नाम था, ये भी आप याद रखिएगा, मकसूदाबाद, कोई दिक्कत, मकसूदाबाद। अच्छा, धीरे धीरे काम चलने लगा। दोस्तों, टाइम पीरियड आया 1717 का। 1717 में कौन था, फर्रुखसियर आ चुका था, जिसको हम लोग बोलते थे घृणित कायर। फर्रुखसियर ने क्या किया, इसका इसको प्रमोट कर दिया, दीवान के पद से उठा के कहाँ बैठा दिया, सूबेदार के पद पे बैठा दिया, ठीक है। कब, 1717 में इसको क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया। इसके पहले क्या था यार, इसके पहले 17 साल तक लगातार क्या था, दीवान था, ठीक है। और सूबेदार किसने बनाया, तो सूबेदार बनाया फर्रुखसियर ने, क्योंकि फर्रुखसियर को बोला जाता था घृणित कायर, और फर्रुखसियर क्या करता था, सिंपली किसी से लड़ाई भी मोल जल्दी नहीं लेता था। दो ही वर्ष बाद 1717 के बाद 1719 में दोस्तों इसको बंगाल को, उड़ीसा को उठा के बंगाल में शामिल कर लिया गया, और उड़ीसा का जमींदारी वगैरह जो कुछ भी वसूलना था वो भी कंट्रोलिंग किसके हाथ में आ गया, इस मुर्शिद कुली खां के हाथ में आ गया। मुर्शिद कुली खां बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, मुर्शिद कुली खां बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इसी के समय में बहुत सारे विद्रोह भी हुए। वो जो मैं पहला विद्रोह आपको बताया कौन सा, सीतारा नारायण, उदय नारायण, इन लोगों ने विद्रोह किया, और किसने किया, नजात खां ने किया, सुजात खां ने किया, कई सारे विद्रोह हुए, तीन विद्रोह हुए थे, स्पेशली तीनों आपको याद रखना है। अच्छा, इसके द्वारा कुछ अच्छा अच्छा काम किया गया, हाँ अच्छा काम एक किया गया है कि लड़ाई झगड़े से बचने के लिए राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया, एक काम ये आपको याद रखना है, दूसरा काम विद्रोह याद रखना है, तीसरा काम याद रखना है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था किसने, मुर्शिद कुली खां ने, कहां पर, बंगाल में। तो इस प्रथा की शुरुआत किया था। इस प्रथा के तहत क्या था दोस्तों, तो सिंपल सी बात थी कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए उनको बड़ा मदद दिया गया। मदद कैसा दिया गया, जैसे तकावी दिया गया। तकावी क्या होता था, जब किसानों को आप लोन दोगे, ऋण दोगे, तो उसको तकावी बोलते थे। तो तकावी वगैरह दिया गया, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमाम सारी चीजें भी दी गई ताकि वो आराम से अपने उत्पादन को बढ़ा सके। तो इतना काम था, मुर्शिद कुली खां ठीक ठाक शासक था। इसके बाद मृत्यु हो जाती है जब मुर्शिद कुली खां, अच्छा कब तक रहेगा, सन 1700 से बैठा, वैसे हम 1717 मानते हैं क्योंकि तभी से सूबेदार बना है, 1717 से लेकर 1727 तक ये व्यक्ति जो है गद्दी पर रहता है। कब से, 1717 से लेकर 1727 तक। इसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका एक दामाद रहता है जिसका नाम था अलवर्दी खां, वो आ जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, हटा दो इसको, ऊपर से हटा रहा हूं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए लिखने का। तो देखिए, एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितना आप आराम से पढ़ोगे इजी मोड में, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, और जितना याद करते चलोगे उतना ज़्यादा फायदा भी रहेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि 1727 में कौन गद्दी पर बैठेगा, तो इसका एक दामाद था जिसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। नाम याद करते चलिएगा, नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहला कौन था, मुर्शिद कुली खां, यहाँ पे यम लिख के छोड़ दे रहा हूँ, मुर्शिद कुली खां, या यम के सी लिख दो, यम के, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। दूसरा आ गया सुजाउद्दीन, ठीक है, सुजाउद्दीन, ये 1727 में गद्दी पर बैठ गया। 1727 लेके ज्यादा तक नहीं, 39 तक था, 1727 लेके 39 तक, ठीक है,
39 तक ये जो है गद्दी पर बैठा रहा सुजाउद्दीन। कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। और शुरुआत में अगर स्टार्टिंग में बात करें, जिस समय मुर्शीद कुली खां जिंदा था उस समय यह उड़ीसा का उप गवर्नर था, उस समय ये उड़ीसा का उप गवर्नर था। कोई काम धाम नहीं, बस बंगाल पे आराम से इजीली शासन किया। एक अच्छा काम ये मिला कि 1733 में जैसे उड़ीसा आ गया था वैसे बिहार भी शामिल हो गया, कहाँ पर आकर, इसी बंगाल में आके शामिल हो चुका था। ठीक है, तो एक एक स्टेप आपको याद रखना है। जैसे उड़ीसा कब शामिल हुआ, तो 1719 में शामिल हुआ। क्यों बताया था अभी पीछे आपको ना, 1719 ये तो मुर्शीद कुली खां के समय में ही शामिल हुआ, और जो बिहार था ये 1733 में हुआ। ठीक है, 1733 में हुआ तो उसके समय में हुआ, बस सिंपल सा काम है। और आगे चल के ये बिहार का सूबेदार भी बना अलवर्दी खां, बस इतना ही। अच्छा, अलवर्दी खां आएगा वो थोड़ा सा आगे आएगा, इसने नियुक्त किया था। जैसे अब क्या करेगा, ये राजा है ये नवाब है, तो नवाब क्या करेगा, ये कहीं पे गद्दी पे तो बैठेगा नहीं, जैसे यहां पे गद्दी बैठा रहेगा, लेकिन अब बिहार को कैसे डील करेगा, बिहार अभी नया नया शामिल हुआ है तो बिहार को कैसे डील करेगा। तो बिहार में एक नया सूबेदार बनाया, ठीक है, एक नया सूबेदार लाया गया और उसका नाम क्या था, अलवर्दी खां, अलीवर्दी खां। हालांकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अलीवर्दी खां के बारे में, बट याद रखना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से मुर्शीद कुली खां के समय में जब उड़ीसा आया था तो उड़ीसा का वो उड़ीसा का उप गवर्नर किसे बनाया गया था, वो सुजाउद्दीन को बनाया गया था, पढ़ाया था आपको ना। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से जब बिहार आया 1733 में, तो बिहार का सूबेदार किसको बनाया गया, अलीवर्दी खां में। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जिसका नाम है सरफराज खां, क्या नाम है, सरफराज खां, वो गद्दी पर बैठता है। तो दो दो लाइन की बात है सबके बारे में, कहानी तो अभी आगे, अरे यार बहुत कुछ सीखना है अभी हमको, ब्लैक होल घटना के बारे में पढ़ना, जबरदस्त जबरदस्त लड़ाई पढ़ना है, बस खाली आने दीजिए अलीवर्दी खां को। ये अलीवर्दी खां के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी छोटे छोटे शासक हैं, तो अभी अभी जैसे इसी का लड़का है, सुजाउद्दीन का लड़का है सरफराज खां, ये एक नंबर का अयोग्य शासक था, पूरा पूरा बिलासी शासक था। ठीक है, कुछ नहीं किया अपने जमाने में, कुछ भी नहीं किया। अब कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा, मर जाएगा और क्या होगा। अरे सिंपल से याद रखो, सरफराज खां, क्या नाम था, सरफराज खां। अच्छा याद रखो, पहला मुर्शीद कुली खां, दूसरा कौन हो गया, ठीक है, साजुद्दीन, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, सरफराज, सह सह याद रखो, ठीक है, सरफराज। ये 1739 में बैठा गद्दी पे और 40 में हट गया, 1739 में बैठा 40 में हट गया। और पुत्र था, किसका पुत्र था, तो ये सुजाउद्दीन का पुत्र था, सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज। एक नंबर का अयोग्य शासक, एक नंबर का विलासी शासक। इसने एक उपाधि भी धारण किया था हैदर जंग नाम से, पूरा नाम था आलम उद्दौला हैदर जंग। तो याद रखिएगा हैदर जंग, लिख दूं क्या, ठीक है, जब आपको नोट्स बना के पढ़ाऊंगा तो खुद ही लिखूंगा, पूछता है कभी कभी ना हैदर जंग की उपाधि, ठीक है, हालांकि इतना भी कोई खास नहीं है बट आप याद रखो। तो हैदर जंग की उपाधि भी, नाम बहुत विकराल लग गया था हैदर जंग, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति थे। और एक नंबर के थे विलासी। इसके समय में अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। अरे कौन अलवर्दी खां, वो बिहार का जो सूबेदार बनाया गया था, हाँ भाई वही अलवर्दी खां, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और किसकी सहायता से, उसके दो तीन मित्र थे जो कि बिहार के रहने वाले थे, एक का नाम था हाजी अहमद, एक का नाम था जगत सेठ, इन लोगों की सहायता से क्या कर दिया, किसके खिलाफ, इनके सरफराज के खिलाफ कर दिया विद्रोह। ठीक है, सरफराज के खिलाफ विद्रोह किया और एक युद्ध भी लड़ा 1740 में। सरफराज खां से जो युद्ध हुआ 1740 में हुआ, किसके किसके बीच में, यहां लिख दे रहा हूं, सरफराज खां, ठीक है, वर्सेज अलवर्दी खां, अलीवर्दी खां, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। 1740 के युद्ध का नाम क्या है, कितने लोग जानते हैं बताइए जल्दी से, गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध, कौन सा युद्ध, याद रखिएगा गिरिया का युद्ध, ठीक है। अब अच्छा क्या होगा इस गिरिया के युद्ध में, तो इस गिरिया के युद्ध में ये अलीवर्दी खां जीत जाता है, सरफराज खां क्योंकि अयोग्य रहता है, विलासतापूर्ण जीवन जीने वाला रहता है, हार हो जाती है, गद्दी पर से हटा दिया जाता है। और कौन अब बैठ जाएगा गद्दी पे, अब गद्दी धारण करता अलवर्दी खां। 40 से लेकर के 56 तक, 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल का नवाब कौन रहता है, अलवर्दी खां। 1756 सर हम एकदम करीब पहुंच गए, 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक उसके एक साल पहले खड़े हैं, तो अलवर्दी खां पहुंच गए करीब में उसके। चलिए पढ़ते हैं अलवर्दी खां के बारे में, हटाइए इसको, अब यहां से कहानी आपको सुनने में मजा आएगा, अलवर्दी खां से पूरी कहानी आपको सुनकर के मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अलवर्दी खां की कहानी। अली
वर्दी खां। ठीक है, किसके पुत्र को मार के आया था, किसके पुत्र को मार के आया था, तो नाम था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। सरफराज खां क्योंकि अयोग्य था और उसी को हरा करके अली वर्दी खां क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। किसके सपोर्ट से बना, तो हाजी अहमद जगत सेठ के सपोर्ट से यह गद्दी पर बैठ गया। 1740 से लेकर 56 तक, 1740 से लेकर के 1756 तक यह गद्दी पर बैठा रहा। अच्छा, इसने एक छोटी सी अपनी भी उपाधि धारण की जिसका नाम था मिर्जा मोहम्मद खान। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सुन लो, मिर्जा मोहम्मद खान नाम से एक उपाधि भी धारण की, उसी संज्ञा से बुलाया जाता था। और इसके समय में अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा बीबीयू जो थे वो तीनों आ चुके थे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 1719 में उड़ीसा आ चुका था और 1733 में बंगाल आ चुका था, और सॉरी बिहार आ चुका था, और बंगाल तो पहले पे था। तो बीबीयू का पूरा एक अकेला राजा कौन था, ये अलीवर्दी खां, क्योंकि इसके पहले के जितने भी शासक थे, चाहे मैं बात कर दूँ सुजाउद्दीन का, चाहे सरफराज की बात कर दूँ, चाहे आप मुर्शीद कुली खां की बात कर लो, किसी के पास भी ये पूरा का पूरा इलाका तो था नहीं। ये तो आया कब, ये 1740-1733 के बाद ही आया, तो 1740 में ये बीबीयू का ये पहला शासक था। अच्छा, अगर मैं 1740 की बात कर रहा हूँ तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि 1740 में मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, मुगल बादशाह था, और उसने क्या किया कि ले लिया घूस। अब आप कहोगे किससे घूस ले लिया, सुनो ध्यान से, मोहम्मद शाह रंगीला ने ले लिया घूस किससे, इस अलीवर्दी खां से। आप कहोगे अलीवर्दी खां ने मोहम्मद शाह रंगीला को घूस क्यों दिया, बात आती है क्यों दिया, भाई इसने तो गिरिया के युद्ध में सीधा सीधा सरफराज को हराया था और फिर क्या बन गया था, राजा तो बन ही गया था, फिर इसको घूस देने की जरूरत क्या पड़ी, वो भी किसको, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को। क्या जरूरत पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि अलीवर्दी खां चाहता था कि वो जो नवाब बना है उसके इस नवाबी का सपोर्ट कौन करे, मोहम्मद शाह रंगीला कर दे, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, एक मुगल शासक था, तो उससे क्या मिल जाए, एक इसको क्या मिल जाए, पत्र मिल जाए, स्वीकृति पत्र मिल जाए कि हाँ आप बंगाल के वास्तविक नवाब हो। इसके पहले लोगों ने अपने मन से नवाब धारण कर लिया, नवाब का पद यहाँ कहा था, ये अलीवर्दी खां चाहता था कि हमको मोहम्मद शाह रंगीला क्या करे, नवाब बना दे, और इसलिए दिया उसने घूस और दिया नजराना। आप पूछोगे कितने का घूस दिया, तो पूरा 2 करोड़ रुपये का घूस दे दिया, 2 करोड़ का, जी हाँ दोस्तों 2 करोड़ रुपये का घूस दे दिया। आप बताओ, मोहम्मद शाह रंगीला तो वैसे भी रंगीला बादशाह था, ठीक है, वो तो वैसे भी रंगीला था, हमेशा भी रास्ता पूर्ण जीवन जीता था, अगर 2 करोड़ कोई दे देगा तो क्या वो इनको स्वीकृति पत्र नहीं देगा, दे देगा। उसने भी खुश होकर क्या दे दिया, इसको स्वीकृति पत्र दे दिया कि हाँ भाई आप ही नवाब हो, ठीक है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, आप नवाब हो। और ये भी याद रखो, पहली बार जब नवाबी का उनको पदवी लेना था इसको, तब तो इसने 2 करोड़ का घूस ले लिया, उसके बाद पूरे जीवन में कभी भी 1 रुपया का कर वहां पे नहीं भेजा, उसके राजकोष में पैसा ही भेजना बंद कर दिया, बोला अब तो मैं नवाब हो ही गया, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो 40 से 51 तक का पीरियड बता रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए, इसके राज्य में जो समस्या थी वो सिंपल ही एक छोटी सी समस्या थी, समस्या क्या थी, इसको मराठे बहुत परेशान करते थे। छोटी क्या, बहुत बड़ी समस्या थी, 1740 पे जब से गद्दी पे बैठा तब से लेकर 1751 तक पूरी की पूरी 11 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों, 11 वर्षों तक गिन के हर साल, एक भी साल गैप नहीं होता था, हर साल मराठी इसके राज्य पर हमला करते थे और लूट पाट कर सारा सामान लेके चले जाते थे हर साल, मतलब ऐसा कोई साल ही नहीं हुआ जिस साल इसको मराठे लूट कर जाते न हो। अंततः अलीवर्दी खां को लगा कि हम मराठों से सामना नहीं कर सकते, एक ही रास्ता है कि हम मराठों से संधि कर लें और पूछ ले भैया आपको क्या चाहिए, हमको जीने खाने दो। और इन्होंने कर लिया मराठों से संधि, किया कब, 1751 में किया, किससे संधि किया, तो उस समय मराठों के हेड थे रघुजी भोसले, क्या नाम था, रघुजी भोसले, ठीक है, रघुजी भोसले से इन्होंने संधि किया। अब आप पूछोगे सर उस संधि में लिखा क्या था, तो उस संधि में लिखा था कि 12 लाख रुपया वार्षिक कर जो है चौथ के रूप में देना है अलीवर्दी खां को, क्योंकि अलीवर्दी खां कोई पैसा मुगल शासक को तो देता नहीं था। तो रघुजी भोसले ने संधि पत्र लिखा कि 12 लाख रुपया आप सालाना दोगे, 12 लाख रुपया सालाना क्या दोगे, चौथ का भुगतान करोगे, किसका, चौथ, और सरदेश मुखी वसूलते थे ना मराठे लोग, तो चौथ का भुगतान करोगे, कंडीशन 1। और कंडीशन 2 क्या था,
मराठों का कि आप जो उड़ीसा पे कब्जा किए हो ना, उड़ीसा आप हमको दे दो, उड़ीसा पे आपका कोई कंट्रोल लेगा, उड़ीसा हमको दे दो, 12 लाख रुपया सालाना चौथ भर दो, हम आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। अब जो है अलवर्दी खां को लगा यार मराठों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है और हम लड़ नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा का हमारा नुकसान हो जाता है, ले लो भैया, ठीक है ले लो, तुमको जो चाहिए सब ले लो, कोई दिक्कत आपको ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, अलवर्दी खां हारा तो जरूर, ठीक है ये मराठों के सामने हारा तो जरूर, लेकिन अलवर्दी खां की एक स्पेशल बात आपको बता दूं, अलवर्दी खां एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था। पूरे के पूरे बंगाल में जितने भी नवाब बने उन नवाबों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन था, अलवर्दी खां था। मैं आपको बताऊंगा इसकी जो नीतियाँ थी ये इस तरह की थी, ये सब कुछ दूरदर्शी था, मैं कह सकता हूँ ये दूरदर्शी शासक था। कैसे, देखो शुरुआत में तो इसने 1740 से लेकर 51 तक क्या किया, प्रयास किया कि मराठों को दबा दिया जाए, चाहता तो 40 में ही सरेंडर करके संधि कर सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं किया। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले 10-11 साल तक मेहनत किया कि हम हो सकता है मराठों पर विजय पा ले। जब इसको लगा कि मराठों पर विजय नहीं पा सकते तब अंततः इसने क्या किया, संधि किया। और इसका टाइम पीरियड कितना था, 56 तक, मैंने क्या बताया 56 तक रहेगा, तो आखिरी का जो 4-5 साल है वो तो अच्छे से जी ले, एक चीज है। दूसरी चीज, इसका एक बहुत फेमस कथन है जो कि बहुत फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कथन क्या है, इसका मानना था कि जो अंग्रेज हैं ये अंग्रेज क्या है, अंग्रेज मक्खियों के समान है, अगर इनके साथ आप प्यार से रहोगे तो ये तुमको शहद देंगी, और अगर इनके साथ आप बदमाशी करोगे तो काट काट के खा जाएंगी। ये कथन किसका था, ये वही अलवर्दी खां का कथन है, ठीक है ये था। दूसरी बात दोस्तों, अलवर्दी खां का ये मानना तो था। दूसरी चीज, अलवर्दी खां जानता था कि अंग्रेज अगर हमारे भारत में आए और हमारे बंगाल में आ चुके हैं, क्योंकि पूरे भारत में भाई इसका कंट्रोल तो था नहीं, बंगाल पे इसका कंट्रोल था, तो बंगाल में जो अंग्रेज आए थे अपनी फैक्ट्रियां बैठाने के लिए, कभी भी इसने अंग्रेजों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी कि आप अपनी किलेबंदी करिए, ना 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 ना, नवाब मैं हूँ अंग्रेज नहीं है, अंग्रेजों को कभी भी इसने किलेबंदी करने की नौबत नहीं आने दी, कभी अनुमति ही नहीं दिया कि आप किलेबंदी करो, कभी भी अंग्रेजों को अपनी सेना भी नहीं रखने दिया। अब बंगाल में सेना क्यों रखोगे, आप व्यापार करने आए हो ना, व्यापार करो, सेना रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जानता था कि जो यूरोपीय शक्ति हैं ये भारत में आकर हमारे राजनीतिक तरीके से आप हमारे हस्तक्षेप करेंगी, ठीक है हमारे बीच, और हमारे बीच हमारे लोगों को लड़ा देंगी और फिर क्या करेंगे यहाँ पर राजपाट करेंगी, ये सब कुछ पहले से जानता था, सच बता रहा हूँ ये सब कुछ पहले से जानता था। इसलिए जाते जाते तक में इसने क्या किया, अच्छा एक चीज़ और इसके पास समस्या थी, बहुत टैलेंटेड था लेकिन एक भी पुत्र नहीं थे, अगर कोई पुत्र रहा होता तो शायद अंग्रेज जो है कभी भी बंगाल पर राजपाट नहीं कर पाते, ठीक है ये टैलेंटेड था, ये अपने पुत्रों को भी समझा के रखता, तो इसकी केवल 3 पुत्रियाँ थी, तो अभी क्या किया इसने, तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। सबसे बड़ी जो पुत्री थी उसकी विवाह कर दिया ढाका के नवाब से, ढाका जाने दें, ढाका के नवाब से पैदा कर दिया। दूसरा एक जगह था पूड़िया, पूड़िया के नवाब से दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया, और तीसरी पुत्री का विवाह पटना के नवाब से कर दिया। तो जो बंगाल बिहार उड़ीसा था इन तीनों पर उसका कंट्रोल बना रहा है, इसके लिए इसने क्या किया कि बिहार के नवाब से क्या कर दिया, वहाँ अपनी तीसरी पुत्री का शादी, पूड़िया के नवाब से दूसरी पत्नी का शादी, ढाका के नवाब से पहली पुत्री की शादी करा दिया कि हम क्या कर सके तीनों जगह पर हमारा कंट्रोल बरकरार रहे। तो बताओ कूटनीतिक व्यक्ति है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये मृत्यु होती है इसकी, तब ये होता है इसके मृत्यु के बाद, किसकी, अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद अगला व्यक्ति कौन गद्दी पर बैठेगा। तो अपने मरते मरते तक में, मतलब 1756 में इसको पेचिस पड़ने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी, तो उससे पहले इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो सबसे छोटी पुत्री थी तीसरे नंबर की, जिसका विवाह उसने किया था पटना के नवाब से, उसका पुत्र था, ठीक है यानी इसका क्या हो गया नाती, अपने नाती को क्या किया था इसने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। पहुंच गए प्लासी के युद्ध पे भाई, तो आज मैं आपको प्लासी का युद्ध नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट आज आपको प्लासी के युद्ध की पूरी भूमिका मैं बताने वाला हूं, ठीक है अच्छी खासी भूमिका बताऊंगा, सुनते रहिए। तो सिराजुद्दौला कौन था, वो अलवर्दी खां का नाती था, ठीक है यानी सिराजुद्दौला का नाना कौन थे, अलवर्दी का सबसे छोटी पुत्री जो कि पटना के नवाब से ब्याही गई थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। 23 वर्ष की उम्र में सिराजुद्दौला क्या बन गया, उत्तराधिकारी का पद पर आ गया और 1756 में गद्दी पर बैठा। नाम लिख दे रहा हूं वहां पर, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, सिराजुद्दौला,
ठीक है 1756 मात्र एक साल 1756 से 57 कहानी खत्म एक ही साल में। बहुत टैलेंटेड था, क्यों? क्योंकि इसने अपने नाना को एकदम फॉलो कर लिया था। इसने भी अपने राज में कभी भी अंग्रेजों को छूट नहीं दिया कि अंग्रेज कोई काम कर सके, क्योंकि इसके नाना ने इसको बहुत ज्यादा लगाव था और इसको पूरा समझा के रखा था कि कभी भी यूरोपियों के साथ दोस्ती मत करना, उनको उतना ही काम देना जितना कि वो कर सके, कभी भी उनको मुक्त व्यापार करने की छूट भी मत देना, जो गलती हमारे पिछले शासकों ने किया है उनको दोहराने का प्रयास मत करना, उस पर कंट्रोल करना। बना तो दिया अलवर्दी खान इसको अपना उत्तराधिकारी, लेकिन बाकी जो दो बहन थी उनके बेटे क्या उत्पात नहीं मचाएंगे? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों ढाका की, ठीक है, तो ढाका में जो इसकी पुत्री ब्याही थी, इसकी पुत्री का नाम था, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पहली पुत्री का विवाह ढाका, दूसरी पुत्री का विवाह पूड़िया और तीसरी जो पुत्री थी उसका विवाह पटना। पटना वाली पुत्री से ही सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला था, यहाँ समझ जाइएगा। और ढाका वाली जो पुत्री का नाम था उसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ने क्या बना दिया? उत्पात मचा दिया। काहे आप उनको उत्तराधिकारी बनाओगे? हम उत्तराधिकारी बनेंगे। बाप रे, लड़की होके क्या कर दिया अरे भाई, जब अलवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी चुन के गया है तो इनको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन इन्होंने डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब किया तो क्या हो सकता है? मतलब इन्होंने मचा दिया विद्रोह। घसीटी बेगम ने विद्रोह मचा दिया, कंडीशन वन। अब दो में क्या हुआ है? जो पूड़िया थे, अच्छा संजोग देखिए कि तीनों के पति क्या हो चुके थे? स्वर्ग सिधार चुके थे। इसके ही समय में, जिस समय अलवर्दी खान जिंदा था उसी के टाइम में उनकी तीनों पुत्रियों के पति क्या हो चुके थे? मर चुके थे। ऐसी कंडीशन आई, सबकी अकाल मृत्यु हो गई। तो अब विधवा बची है घसीटी बेगम, ये कह रही हम उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे, हम अपने हिसाब से रखेंगे। पूड़िया का जो नवाब थे, ठीक है, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था शौकत जंग। क्या नाम था? शौकत जंग। वो बोला अलवर्दी खान जी तो हमारे भी नाना लगते हैं, तो क्या हम इस गद्दी के दावेदार नहीं? अगर सिराजुद्दौला दावेदार है तो क्या मैं दावेदार नहीं हूं? शौकत जंग, ठीक है। अच्छा, इधर घसीटी बेगम क्या चाहती थी? घसीटी बेगम चाहती थी कि स्वयं गद्दी पर बैठे, और इस काम में उसका सहयोग कर रहे थे उसके दीवान, ठीक है। घसीटी बेगम के दो दीवान थे, वो दीवान क्या कर सकते थे? वो जबरदस्ती यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे इनकी दीवान का नाम क्या था? राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ, ठीक है। बहुत बदमाश आदमी थे, बहुत कमीने आदमी थे, राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ, ठीक है। सुनते जाइए क्या होता है। ये दोनों घसीटी बेगम को हमेशा चढ़ाया करते थे कि आप विद्रोह करिए, हम लोग जो है नवाब के गद्दी पर जो है आपको बैठाएंगे, आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आप एक बार क्या करिए, प्रयास करिए। अब क्या था? अब सिराजुद्दौला के सामने मुसीबत। कौन मुसीबत खड़ा कर रहा है? एक मुसीबत घसीटी बेगम पैदा कर रहे हैं, दूसरा मुसीबत शौकत जंग पैदा कर रहे हैं, और सिराजुद्दौला का तीसरा शत्रु कौन है? वो अंग्रेज। तीसरा शत्रु कौन है यहाँ पे? अंग्रेज। अच्छा, ये तीनों आपस में मिल गए, ये जो तीनों हैं ये आपस में मिल गए किसको हराने के लिए? इस सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए तीनों मिल गए कि चलो पहले हम लोग मिल के हटाते हैं। नहीं, हटा नहीं पाएंगे। सिराजुद्दौला भी तैयार हो गए कि ठीक है, हमारे नाना ने हमें जो सिखाया है तो उसको हम फॉलो भी करेंगे, और कोई चीज़ अगर नहीं हो पा रही तो हम क्या करेंगे, हम लड़ाई भी करेंगे। और होती है फिर क्या होती है? एक जंग होती है, जंग की शुरुआत। अब उस जंग का नाम क्या है आप जानना चाहोगे? तो इन दोनों के बीच में जंग होता है, कौन सा? सोच के बताइए, पढ़े ही नहीं तो बताओगे क्या? सीधे तो आते हो, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने तो पहुंच जाते हो आप क्या करने के लिए, प्लासिक 1757 रटना चालू करते हो, तो गलती तो होगी ना। मनिहारी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? याद रखिए, मनिहारी का युद्ध कब हुआ? अरे सिंपल सी बात है, 1756 में गद्दी बैठा है, 56 में हो रहा है, ठीक है। 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? दोनों नाती जो थे, कौन कौन दोनों नाती थे? एक तो सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला, और दूसरा था शौकत जंग, ठीक है, शौकत जंग। ये जो था ये तीसरी बेटी का पुत्र था, ये जो था ये दूसरी बेटी का पुत्र था। कोई दिक्कत है आपको? ये तीसरी बेटी का पुत्र था और दूसरी बेटी का पुत्र, मतलब पूड़िया वाले पुत्र से और पटना वाले पुत्र से, दोनों पापा वाले में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। उस लड़ाई में क्या होता है, इस शौकत जंग को मार दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और सिराजुद्दौला जीत जाता है और ये बंगाल का नवाब के पद पर कायम रहता है। किस युद्ध में दोस्तों? मनिहारी के युद्ध में। अच्छा, अब
ये मर गए तो कौन उत्पाद मचाएगा, बचा कौन, घसीटी बेगम और उसके जो दोनों दीवान थे राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ। अब क्या हुआ कि राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ की क्या हो गई, हालत खराब हो गई और वो राजकोष से कुछ पैसा चुरा करके कहां भाग गए, फुर्र हो गए। कहां गए, अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। इधर घसीटी बेगम क्योंकि मौसी लगती थी, अभी मौसी के लड़के को मानना ठीक है लेकिन मौसी को मानना थोड़ा सा अटपटा लगता ना, मां समान थी। सिराजुद्दौला ने क्या किया, घसीटी बेगम पे धीरे धीरे कंट्रोल पाया, उनको समझा बुझाकर अपने पास लेकर आया, उनको समझाया बुझाया कि आप किसके चक्कर में पड़ी हो, राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ क्या कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बीच में लड़ाई करा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कोई औलाद भी नहीं तो लड़ाई किस बात की, और इधर राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ क्या किए, ये खजाना ही लेकर क्या हो गए, फुर्र हो गए। किसके पास फुर्र हो गए, ये पहुंच गए अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों में देखो क्या दिक्कत थी, एक नई समस्या मैं आपको बताता हूँ, वो समस्या सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों 1756 ये वही समय है जिस समय सेवन ईयर्स वार स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था 1756 में, पढ़ाया था आपको ना सेवन ईयर वार्स, ठीक है। इस सेवन ईयर वार्स में अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों को ऑर्डर मिल गया था कि दोनों अपने में क्या करो, लड़ाई करो, ठीक है। अच्छा अब इस लड़ाई के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने दोनों ने चाहा कि हम अपनी अपनी फैक्ट्रियों पे किलेबंदी करना शुरू कर दें, क्योंकि अलीवर्दी खां ने तो कभी करने नहीं दिया किलेबंदी, तो अलीवर्दी खां के मरने के बाद अब कौन आ चुका था, सिराजुद्दौला आ चुका था, तो इनको लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, किलेबंदी करना चाहिए। जैसे ही किलेबंदी का काम इन्होंने शुरू किया तुरंत सिराजुद्दौला अपनी फौज लेकर पहुंच गया, किलेबंदी नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि उसके नाना ने समझा के गया था कि अगर अंग्रेज कभी किलेबंदी करते हैं तो भविष्य में हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसने तुरंत मना किया, मना करने पे फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रांसीसी क्या हो गए, मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से इंकार कर दिया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इंकार कर दिया। अब क्या था, अब तो लड़ाई होनी तय थी, कोई कर सकता था क्या रोकना, कोई नहीं रोक सकता था। अच्छा एक कंडीशन तो यह थी कि किलेबंदी करने के लिए इसने मना किया, अंग्रेज नहीं माने, इस वजह से लड़ाई हुई, कंडीशन वन। कंडीशन टू क्या था, वो जो राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ भाग गए थे उनको अंग्रेजों ने संरक्षण दे दिया था। सिराजुद्दौला ने कहा एक गलती तो तुम कर ही चुके, दूसरी गलती तुमने ये किया कि राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ को संरक्षण दे दिया, उनको हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अंग्रेज बोले तुमसे बुरा क्या होगा कोई, हम नहीं वापस करेंगे, तुमको जो करना है तुम कर लो, दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या हुआ दोस्तों, 1717 की बात कर रहा हूँ, 1717 में फर्रुखसियन ने जो इनको शाही फरमान दे दिया था, एक आदेश पत्र दे दिया था कि आप बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार, उस पत्र को नाम दिया गया था दस्तक। क्या बोला गया था, दस्तक। दस्तक माने क्या, यह फ्री पास होता था और इससे अंग्रेज पूरे बंगाल में जहां चाहे वहां व्यापार कर सकते थे, लेकिन इस दस्तक को का अंग्रेज क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, इस दस्तक को जाली पेपर पर छपवा करके बंगाल में उल्टे सीधे काम किए जा रहे थे। तो तीन तीन गलतियां, एक गलती पे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, कौन सी गलती, सबसे बड़ी गलती किलेबंदी के लिए मना किया, दूसरी गलती राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ को लौटाने के लिए कहा, तीसरी गलती फ्री पास का हमेशा दुरुपयोग हो रहा था। अब क्या हुआ, अब पानी सर से ऊपर, सिराजुद्दौला ने मूड बना लिया कि ठीक है अब इस अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, ठिकाने लाना पड़ेगा, और सिराजुद्दौला ने तुरंत क्या किया, इमीडिएट एक्शन प्लान लिया, ठीक है, एक्शन लिया इन लोगों के खिलाफ, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, और अपनी एक सेना तुरंत गठित किया, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी समझौता के, बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के एक भारी भरकम सेना लेकर कहां पहुंच गया, अंग्रेजों के ऊपर हमला बोल दिया। हमला कहां बोला, तो कासिम बाजार में जहां इनकी फैक्ट्री लगी थी अंग्रेजों की, कहां पे दोस्तों, एक मिनट मार्कर चला गया, चलिए यहाँ से देख लीजिए, कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्री लगी थी उस फैक्ट्री पर सबसे पहले सिराजुद्दौला ने हमला बोला। बताओ क्या होगा, कासिम बाजार की फैक्ट्री को अपने अंडर में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। सब घटना थी जून की, ठीक है, जून, ठीक है, जून की घटना थी 1756 में, तो इसने क्या किया, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया कासिम बाजार को। दूसरा इसका टारगेट था कि अब हम लोग कलकत्ता को कंट्रोल में लेंगे, किसको लेंगे, कलकत्ता को कंट्रोल में लेंगे, और दूसरे ही पल में उसने क्या किया, झट से क्या किया, कलकत्ता पहुंचा, जहां पे इनका क्या चल रहा था, किलेबंदी का काम चल रहा था। कलकत्ता का फेमस फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, याद है ना आपको, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहां पे था, कलकत्ता में था, यहां पे देखिए फोर्ट विलियम, थोड़ा सा मार्कर साथ नहीं दे रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पे 5 दिन तक लगातार घेरा डाले रहा, सिराजुद्दौला भी नहीं लौटा कि हमारे नाना ने हमको सिखाया है कि अंग्रेज क्या करेंगे, जबरदस्ती तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे ऊपर शासन करना चाहेंगे, तुमको मजबूत होना पड़ेगा। फोर्ट विलियम में 5 दिन का घेरा डालने के बाद अंततः अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों के जो गवर्नर थे जिनका नाम था ड्रेक,
ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों के गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे ड्रेक। क्या नाम था? ड्रेक। ये भी सरेंडर हो गया। ड्रेक के साथ साथ जो अंग्रेजों का सेनापति था उनका नाम था मिंचन। क्या नाम था? मिंचन। ड्रेक प्लस मिंचन, ये दोनों क्या हुए? सरेंडर होने के साथ साथ ये अपना जगह छोड़कर भाग गए। भाग के कहां गए आप कहोगे? तो भाग के फुलटा नामक द्वीप पर गए। कहां पर गए? फुलटा नामक द्वीप पर, ठीक है। वहां जाकर इन्होंने शरण लिया, मतलब कि फोर्ट विलियम ही छोड़कर भाग गए। हाँ भाग गए। क्या वहां पे सेनाएं नहीं लड़ रही थी? लड़ रही थी। किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? तो हालवेल, हालवेल नाम का एक व्यक्ति था, नाम सुना होगा हालवेल, ठीक है, उसके नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। तो हालवेल जो है वहां पर एक छोटा सा सेना लेकर और किससे लड़ाई कर रहा था? सिराजुद्दौला से लड़ाई कर रहा था। जैसे ही कलकत्ता सिराजुद्दौला के कंट्रोल में आता है, सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया? अलीनगर कर दिया। क्या नगर रह गया? अपने नाना का नाम पे रख दिया, अलीवर्दी खां के नाम पर कलकत्ता के नाम को बदलकर अली नगर कर दिया। किसने? किसने कर दिया? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, इधर जो छोटी सी सेना को लेकर लड़ रहा था हालवेल, ठीक है, हालवेल पकड़ा गया। हालवेल को सिराजुद्दौला ने पकड़ लिया। हालवेल के साथ कुल 146 लोगों को पकड़ा गया, 145 लोग और एक हालवेल, कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई? 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने पकड़ लिया। अब देखो क्या होता है। अब हालवेल ने खुद एक किताब लिखा है जिसका नाम है अलाइव द वंडर। उस किताब का नाम क्या है? अलाइव द वंडर, ठीक है। यह किताब लिखी गई है स्वयं हालवेल के द्वारा। हालवेल इस किताब में लिखता है कि सिराजुद्दौला ने कुल 146 व्यक्तियों को पकड़ लिया, ठीक है, जो कि हम लोग लड़ रहे थे, और 18x14 फीट, ठीक है, 18x14 फीट के एक कमरे में ठूस ठूस कर भर दिया। क्या, अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्या आपको लगता है कि 18x14 फीट के कमरे में 186 लोगों को रखा जा सकता है? यह कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानी जैसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? हो सकता है भाई कुछ भी रहा हो, और ज़्यादातर इतिहासकार जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस घटना को क्या मानते हैं? फेक न्यूज मानते हैं। लेकिन क्योंकि इस घटना को खुद हालवेल ने लिखा है और अपनी ही किताब में लिखा है जिसका नाम है अलाइव द वंडर, इस किताब का भी नाम रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर शायद 14 फीट 1-2-3 इंची और है, तो 3 इंची क्या करोगे? 18x14 याद रखो, 18x14 इंच की, सॉरी फैक्ट्री की, सॉरी फैक्ट्री कर रहा हूँ, कोठरी में जो है 146 लोगों को बंद कर दिया गया। अगले दिन क्या हुआ? इस 146 में से 123 लोग मारे गए गिन करके, और 23 लोग जो है जिंदा बच गए। और जिंदा बचे भी कौन? तो जिंदा में एक हालवेल भी जिंदा बचा। ये हो सकता है क्या? थोड़ा सा यहां पे लगता है कि हाँ फेक हो सकता है। चलो हालवेल बच गया। अब आप कैसे कहोगे सर फेक न्यूज ही है? क्योंकि उस समय के अगर तत्कालीन इतिहासकार, एक मुस्लिम इतिहासकार थे जिनके बारे में आप हो सकता ना जानते हो, जिनका नाम था गुलाम हुसैन, उस जमाने के क्या थे वो? मुस्लिम इतिहासकार थे। उनकी भी एक किताब है जिसका नाम है सियारुल, उनकी एक किताब है सियारुल मित खैरनी उत्खैरनी। क्या नाम है? मुत खैरनी, मुत उत नहीं, मुत मुत खैरिन, मुत खैरिन, ठीक है, सियारुल मुत खैरिन। इस किताब को किसने लिखा है? तो गुलाम हुसैन ने लिखा है। गुलाम हुसैन जो उस समय के इतिहासकार थे, इन्होंने तो अपने अपने किसी इस किताब में क्या किया है, इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया है कि इस तरह का जिक्र सिराजुद्दौला ने इस तरह का नौबत लाया था। तो कुल मिला जुला के हालवेल ये बताना चाह रहा था कि सबके सामने, दुनिया के सामने ये प्रेजेंट कर रहा था कि जो सिराजुद्दौला है ये एक नरसंहारी व्यक्ति है, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? नरसंहारक प्रवृत्ति का है। तो लोगों के सामने इसकी छवि को खराब करने पर लग रहा था, ठीक है। फिलहाल जो कुछ भी हुआ, अंततः कलकत्ता पर कब्जा कर लिया किसने? सिराजुद्दौला ने। अब क्या होगा? अब ये बात पहुंची मद्रास। मद्रास में क्या था? अरे वहां पे तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी और वहां पे तो काफी बड़ी फैक्ट्री थी, यहाँ पे यहां से ज्यादा बड़ी फैक्ट्री थी, क्योंकि यहाँ पे अलवर्दी खान ने ना तो उनको किलेबंदी करने का दिया और ना ही सिराजुद्दौला ने करने दिया पूरा काम। तो यहां पर उनकी जो छोटी मोटी सेना थी वही थी, जो बड़ी सेनाएं थी वो कहां पर थी? वो मद्रास में थी। अब मद्रास से फौज रवाना कर दिया गया। अब यहां पे होगी असली लड़ाई। मद्रास में जो फौज रवाना किया गया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मद्रास से दो तरह की फौज निकली, एक नौसेना निकली, एक पैदल सेना निकली। कौन कौन? एक नौसेना निकली मद्रास से, एक पैदल सेना निकली। जो पैदल सेना निकली थी उसका नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। कौन कर रहा था? क्लाइव। और जो नौसेना निकली उसका नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल वाटसन। लिखूं मैं यहां पे? चलिए देखता हूं। तो याद रखिए, मद्रास से दो सेनाएं बाहर आई, एक जो है नौसेना बाहर आई, इसको तो हटा ही देता हूं, एक तो नौसेना बाहर आई, दूसरा पैदल सेना बाहर आई, नौसेना और
पैदल सेना। पैदल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। नौसेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो एडमिरल वाटसन, एडमिरल वाटसन, वाटसन ठीक है, ये कर रहे थे। दोनों सेनाएं कहां पहुंच गईं? बंगाल पहुंच गईं। दोनों सेनाएं कहां पहुंच गईं? बंगाल पहुंच गई। अंततः युद्ध करने का एक माहौल बना, लेकिन उसके पहले ही संधि हो गया। 1757 की संधि अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। भाई आप नहीं पूछोगे अलीनगर की संधि क्यों कहा गया? अरे क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जीतने के बाद कलकत्ता का नाम क्या रख दिया था? अलीनगर। ठीक है, तो अलीनगर की संधि हुई 1757 में। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस संधि में क्या कहा गया? इस संधि में बड़ा नाटक हुआ। इस संधि में सबसे पहली बात यह कहा गया, अंग्रेजों ने अपना डिमांड किया, क्योंकि अंग्रेज भारी पड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने अपना डिमांड किया। अंग्रेजों ने कहा कि मुगल बादशाह ने जो कुछ भी सुविधाएं दिया है, वो शाही फरमान वाला 1717 वाला, ठीक है, वो सारी सुविधाओं को तुम स्वीकार करो, ठीक है, और हम उसी तरह से व्यापार करेंगे। कंडीशन वन लिखो नहीं रहा हूं, ऐसे समझा दे रहा हूं, ठीक है, पहला। दूसरी चीज, जो हमको फ्री पास मिला है, जिसके तहत हम पूरे बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, इसमें भी आप कोई कर नहीं लगाओगे। कंडीशन टू। कंडीशन थ्री में कहा गया कि अंग्रेजों की जितनी भी वस्तुओं को छीन लिया है सिराजुद्दौला ने, उन सभी वस्तुओं को वापस करें, क्योंकि हमारी वस्तुओं को छीना है, इस वजह से हमको कंपनसेशन भी चाहिए, यानी हमको क्षतिपूर्ति भी चाहिए। और कितने की क्षतिपूर्ति? तो 300,000 की क्षतिपूर्ति दें। कौन? सिराजुद्दौला अंग्रेजों को दें। चौथी चीज मांगा कि कलकत्ता की किलेबंदी के लिए आप मना कर रहे हो, हम कलकत्ता की किलेबंदी अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, इस बात के लिए भी आप एग्री हो, समझो कितना कंडीशन लगाएगा। और पांचवा और सबसे खतरनाक डिसीजन कि हमको सिक्के ढालने की अनुमति दी जाए, हम बंगाल में अपने सिक्के ढालेंगे, अपने सिक्के चलाएंगे। अगर इतनी बात के लिए आप राजी हो तब तो ठीक है, ना तुरंत हमसे तत्काल युद्ध करो। अब इस समय क्या था, अब सिराजुद्दौला के पास कोई रास्ता नहीं था, और उसने क्या किया, तुरंत तुरंत ये पांचों की पांच संधि के में जो बातें लिखी थी इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन स्वीकार तो कर लिया, आपको लगता कहानी खत्म होगी? कहानी यहाँ खत्म नहीं होता, कहानी यहीं से शुरू होता है। जो इस पैदल सेना का हेड था क्लाइव, इसके मन में क्या था? इसके मन में था कि नहीं, अभी हम क्या करेंगे, हम सिराजुद्दौला को और नीचे गिराएंगे, इसने हमारे अंग्रेज भाइयों के साथ क्या किया है, दुर्व्यवहार किया है, और हम इसको गद्दी से हटा के दम लेंगे। इसके बाद वो षड्यंत्र रचना चालू करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेनापति को, दीवान को अपने तरफ मिला करके किस तरह से सिराजुद्दौला को हराते हैं। अदरवाइज सिराजुद्दौला को हरा पाना इसके बस की बात नहीं थी। तो प्लासी की युद्ध की क्या भूमिका बनाता, क्या बेस बनाता, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। अब अगली बात ये थी दोस्तों, लास्ट बात, कि अगर ये दोनों सेनाएं यहां तक आ गई थी तो ये चाह रहे थे कि संधि के अलावा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब फायदा क्या हुआ? अगले ये संधि जो हुई थी दोस्तों, ये संधि हुई थी फरवरी में, अगले महीने मार्च में ये दोनों सेनाएं टूट पड़ी बिना फालतू में फ्रांसीसियों के ऊपर। किसको पर टूट पड़ी? फ्रांसीसी को पर टूट पड़ी। और 1757 में मार्च में ही क्या किया, फ्रांसीसी से उनका चंद्रनगर का जो किला था, जो उनकी फैक्ट्री थी, उसको छीन लिया जबरदस्ती, कि यहां तक आ गए तो कुछ फायदा कर लेते हैं। तो ये तो अंग्रेजों की नीति थी। तो चलिए इसी के साथ कल हम शुरू करेंगे दोस्तों प्लासी युद्ध के बारे में। सबसे पहले प्लासी युद्ध में बताऊंगा किस तरह से क्लाइव ने पूरा जीतने का जुगाड़ बनाया। ठीक है, क्या बनाया? जीतने का जुगाड़ बनाया। और ये कोई लड़ाई नहीं था, हम पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, ये कोई युद्ध नहीं था। युद्ध होता तो तलवारें चलती, भालाएं चलते, लोग मारे जाते, कोई युद्ध ही नहीं था। ये युद्ध तो केवल एक व्यक्ति के लिए था, क्यों? सिराजुद्दौला, वही मरा, और एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी युद्ध में भाग नहीं लिया, सिर्फ एक आदमी युद्ध में भाग लिया था। और हम बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध, ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया क्या इतिहास है, उसी में लिखा है कि भाई प्लासी का युद्ध हुआ था, हकीकत में तो कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो चलिए आगे बताता हूं, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में। उसके बाद पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन यहां पर शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। देखो बिल्कुल परेशान मत हो, नोट्स बना के मैं पढ़ा दूंगा, बट जल्दी जल्दी अगर हम कवर कर लेते हैं इसमें आप ही का फायदा होगा, मेरा नहीं, ठीक है। और दो दो बार इतिहास भी रिवाइज हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, जो कुछ भी कराया जाता है पढ़िए, दिन भर जितने भी वीडियोस दिए जाते हैं उन पे भी अपना ध्यान दीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकें। और वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाए। और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उस पर जरूर देखा करिए, उस पर ऊपर एक ऑप्शन देता है विजिट एडवर्टीजमेंट, कोशिश किया करिए अगर वहाँ भी क्लिक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।